नमस्कार। गणित का एक ऐसा टॉपिक है जिससे विद्यार्थी बहुत डरते हैं और वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी आगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जो है इसका या तो उचित तरीके से अभ्यास नहीं कर पाते या उन्हें ये आइडेंटिटीज याद नहीं होती। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को न केवल याद करने की बल्कि खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि इस छोटे से अपरेटस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा गोल बॉक्स है और इसमें हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स काट काट के रखी हुई है। इन्हीं स्ट्रिप्स की मदद से हम इस छोटे से कार्डबोर्ड पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आइडेंटिटी इन्हीं स्ट्रिप्स की मदद से मैंने पहले से बना के यहाँ रखी है। यह है a माइनस बी होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। इसी प्रकार से बच्चों को आइडेंटिटीज रिवाइज करवाने के लिए ये एक छोटा सा खेल है। इस खेल में हम बच्चों को कहेंगे कि आप इस कटोरी से पर्चियां निकालकर और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक पर्ची निकली है बी क्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे मैं यहां रखता हूं। ए स्क्वायर ये इसी फार्मूला में आएगा इसलिए इसे सामने रखता हूं। टू ए बी भी इसी फार्मूला में आएगा इसलिए इसे भी इसके सामने रखता हूं। बी स्क्वायर भी यही आएगा इसलिए इसको भी मैं सामने रखता हूं। बराबर का निशान है वो यहां इसके सामने आ जाएगा। बी क्यूब ये अन्य पर्ची है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक तीसरी आइडेंटिटी है, इसको भी हम बाद में यूज करेंगे। माइनस का निशान है इसे हम यहां लगा सकते हैं। ए क्यूब इसे हम किसी अन्य आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं। ये पर्चियां हमारे काम की इसमें नहीं है। थ्री ए बी स्क्वायर ये भी इस पर्ची में हमारे काम आ जाएगा। ए प्लस बी होल क्यूब इसे हम यहां इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से जो भी आइडेंटिटी मैं सोच रहा हूं उसके काम की जो मेरी पर्चियां होंगी उन्हें मैं इसमें यूज करूंगा। प्लस का निशान है इसे हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बराबर का निशान है इसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और माइनस अभी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और प्लस का निशान है इसे हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और एक प्लस हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और एक और प्लस हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने इन्हीं पर्चियों के प्रयोग से फिलहाल तीन आइडेंटिटीज आपके सामने बनाई हैं। पहली a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और दूसरी है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी प्रकार से a प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इन्हीं पर्चियों की मदद से बाकी आइडेंटिटीज भी इसी एक कार्डबोर्ड शीट पर बना सकते हैं। बच्चे इन पर्चियों में से चुन चुन कर जो भी आइडेंटिटी वो सोच रहे हैं वो आइडेंटिटी इन पर्चियों की मदद से बना सकते हैं। खेल खेल में बच्चे अपनी सभी आइडेंटिटीज का अभ्यास कर लें।